वेलकम बैक दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इमोट पार्टी में। बोले तो बहुत ही भयानक यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल गई कि जो बंदे यहाँ पे इमोट नहीं ले पाते हैं वो बंदे यहाँ से इमोट ले सकते हैं, बिल्कुल यहाँ से इमोट ले सकते हैं। तो चलिए वीडियो का श्री गणेश कर और अपने इमोट पार्टी की ओर बढ़ते हैं। तो इमोट पार्टी में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है और हमारे यूट्यूब चैनल पर भी आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। देखो गाइस, हम लोग आज की इस वीडियो में इमोट निकाल करके नहीं बताने वाले, लेकिन गाइस हम लोग इतना जरूर बता देंगे कि आपका बहुत ही कम डायमंड्स लगेगा और आप अगर इसमें लगाने की सोच रहे हो डायमंड्स तो बिल्कुल सही जगह आए हो। वीडियो को स्किप मत करना क्योंकि इसी में आपके कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स छुपा हुआ है। मैं आपको बहुत ही मस्त सा वाला मैं आपको कुछ बताने वाला हूँ गाइस, जो कि ध्यान से सुनिए, जैसे कि आप यहाँ पे इमोट बहुत ही कम डायमंड्स में ले सकते हो। देखो भाई साहब, मेरा वीडियो जो होगा, जैसे कि आप अगर आप मेरे वीडियो को नहीं देखते हो, अगर आप स्पिन करते हो तो आपके 1000 या 2000 डायमंड्स लग जाएंगे, ठीक है। अगर आप मेरे वीडियो को देख लेते हो तो आपको बहुत ही कम डायमंड्स लगने वाले, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया सारी कुछ चीज़ें। अब मैं आपको बताता हूँ कि इमोट पार्टी में आपको इमोट में स्पिन कैसे करना है, लेकिन उससे पहले मैंने क्या बोला वीडियो के स्टार्टिंग में, आपको पता है इमोट पार्टी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यानी कि आप किसी पार्टी में जाते हो दोस्तों, तो पार्टी में तो आप लंगे नहीं चले जाते हो या फिर गंदे टी शर्ट वगैरह, सब गंदा आपका ड्रेसअप नहीं होता है, तभी तो आप पार्टी में नहीं जाते। यानी कि आप पार्टी में जाने के लिए आप अच्छे से एक ड्रेसअप करते हो, आपका एक सिस्टमैटिक वे होता है दोस्तों, यानी कि आप एक डिसिप्लिन कंटेंट करके जाते हो। तो उसी प्रकार का मैं आपको इस वीडियो में कुछ डिसिप्लिन वगैरह बताने वाला हूँ, ताकि आप जाकर के इमोट पार्टी में स्पिन करिएगा तब जाकर के आपको जो लेजेंडरी 5 लेजेंडरी यहाँ पे आपको जो इमोट दिखा रही है वो इमोट दिख जाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं अपने डायमंड्स को क्लेम कर लेता हूँ, ताकि मेरे डायमंड्स जो है वो बढ़ जाए धीरे धीरे। देखो जी, सो मैं जो डायमंड्स मंथली और वीकली लिया हूँ, इसके लिए 2 ऐप को मैं रिकमेंड किया हूँ और इसके लिए मैं एक पर्सनल वीडियो भी बनाया हूँ। तो अगर आप लोग वीडियो को नहीं देखे हो जाकर के उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, आपको बहुत ही हेल्पफुल मिलेगी, आपका 1 रुपया भी नहीं लगेगा और यहाँ पर आप मंथली वीकली और यहाँ पर ड्रॉप भी आप अपने पैसे से नहीं मार सकते, बल्कि आप जो हल्की सी मेहनत करोगे उससे आप यहाँ पर ड्रॉप मार सकते हो। चलो, वो पहला ऐप आपका गोल ऑफ इंडिया रिवॉर्ड्स और दूसरा है आपका रूचर ऐप। तो इन दोनों में से जो आपको अच्छा लगता है आप उस चीज़ से यहाँ पर मंथली और वीकली परचेज कर सकते हो। तो चलो गाइस, यहाँ पे जो हम लोग इमोट पार्टी में इमोट का में जो डायमंड्स लगाने वाले हैं उसमें मैं आपको बताता हूँ कि क्या करना है। सबसे पहले गाइस मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप अगर आपके गिरना फ्री फायर में आपकी UID बहुत ही पुरानी हो चुकी है तो बहुत ही ज़्यादा डायमंड्स लगने वाले हैं, तो कंपलसरी अगर आपकी ID नहीं है तो बहुत ही कम डायमंड्स में निकल जाएगी। लेकिन पुरानी ID हो चाहे नई ID हो, भैया जी हम तो यहाँ पर ड्रेसअप करके जाएंगे, एक डिसिप्लिन को मेंटेन करके जाएंगे, तब जा करके हम इस इमोट पार्टी में स्पिन करेंगे। तो सबसे पहले अगर आपके ID में जितने भी इवेंट्स है गिरना फ्री फायर के इंडियन सर्वर में जितने भी इवेंट्स है सब पे एक बार टैप 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 को क्लिक जरूर कर दीजिएगा। देखो गाइस, मैं 100% नहीं बताना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बताना इतना चाह रहा हूँ कि अगर आप इसमें स्पिन करने की सोचे तो आपका बहुत ही कम डायमंड्स। उसके बाद आपको यहाँ पे कलेक्शन में जा करके आपको जितने सारे भी इमोट्स है, कोबरा बंडल के इमोट है, यहाँ पे जितने भी पुराने इमोट है या फिर आपकी ID में जितने भी इमोट है सबको अनइक्यूपाई कर दीजिए। जैसे कि मैं यहाँ पे इमोट को अनइक्यूपाई कर देना है, ठीक है दोस्तों, सिर्फ इमोट को आपको अनइक्यूपाई करना है। जितने भी A to Z आपकी ID में इमोट है उसको अनइक्यूपाई सबसे पहले जा करके कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको सेटिंग्स में जा करके क्लियर कैचे कर देनी है 2 से 3 बार और यहाँ पे आपको एक बार सेंड रिपोर्ट कर देनी है मेरे दोस्तों। उसके बाद आपको क्या करना है कि अगर आपके लोडआउट्स में सेलेक्ट करके खेलते हैं तो लोडआउट्स में क्या कीजिएगा, लोडआउट्स को लीजिएगा ही नहीं, अगर लीजिएगा तो यहाँ पे आप बोनफायर ले लीजिएगा और यहाँ पे आप स्कैन ले लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद अगर आप ट्रेनिंग मोड खेलना चाहते हो तो ट्रेनिंग मोड खेल सकते हो, आपके पास तो वैसे भी इमोट नहीं है, तो इमोट में क्या कीजिएगा, किसी को मार करके जो बंदा इमोट दिखाता है वो आप नहीं दिखा सकते क्योंकि अगर आप अभी इमोट को अनइक्यूपाई कर चुके हो। उसके बाद यहाँ पे आपको आ जाना है सीधे से यहाँ पे इवेंट में। इवेंट के आने के बाद आपको हबड़ा करके स्पिन नहीं करना है, पहले सर्च वगैरह में रूल्स वगैरह में एक बार झांक लेना है, झांक करके देख लीजिए। जब आप किसी के पार्टी में जाते हो तो पार्टी में एक बंदे से थोड़ी मिलते हो, बहुत बंदे से ना मिलते हो, अगर आपको कुछ जान पहचान के मिल गए तो उसे बातें करते हो। तो इसी प्रकार आपको यहाँ पे सब कुछ करना है और यहाँ पे आपको स्पिन कर देना है। पहले 19 डायमंड का, देखो 9 डायमंड का आपको स्पिन रहेगा तो 9 डायमंड का आप स्पिन कर ही सकते हो, लेकिन मेरे ओपिनियन के हिसाब से पहले आप यहाँ पे सीधे 99 का स्पिन करिएगा, फिर 9 का करिएगा और फिर 19 का करिएगा, कुछ इस प्रकार से आप स्पिन कीजिए। 5 स्पिन के अंदर यहाँ पे आपको एक लीजेंडरी स्पिन देखने को मिलेगा, जैसा कि गिरना फ्री फायर वालों ने बताया, लेकिन मैंने आपको जो बताया कि 5 स्पिन करने के बाद ही आपको मिलेगा, लेकिन मैंने जो ट्रिप्स एंड ट्रिक्स बताई है 5 स्पिन से पहले ही आपको मिल जाएगा। तो अभी तक आपके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी कॉल पर सेट कर लीजिए, नीचे जो वीडियो आ रही है उसे देख के आप सभी सीजन के लाइट पास खरीद सकते हो।